भैया मिले वो बहुत देर से मेरा वेट कर रहे थे, मुझे पता भी नहीं था, पर बाहर निकली तो पता चला। वेलकम बैक टू अलकायंस व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग भी काफ़ी खास होगा, तो व्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना। तो आज मैं जाने वाली हूँ अपनी नानी के घर पे, क्योंकि आज मेरे नाना का दिन है, शराद कहते हैं ना वो है, तो इसलिए हम मैं और मम्मी जाएंगे। मेरी बहन काम पे चली गई, वो डायरेक्ट काम से आ जाएगी, तो ट्रेन से जाएंगे, काफ़ी मज़ा आएगा, ट्रेन में मूढ़ी खाएंगे ये वो। तो सबसे पहले तो दवाई ले लेती हूँ, सुबह हो गया, खाली पेट दवाई लेना है। फिर खाना काफ़ी टेस्टी है, चावल दाल ये खीरा टमाटर की भुजी आलू की सब्जी, तो सबसे पहले दवाई ले लेते हैं। क्या किए पापा? जा रहे हैं काम पे, अब मैं और मम्मी होंगे रेडी नानी के घर जाने के लिए। क्या मम्मी, आपका फेवरेट कलर? आप लोग कहते हो ना मुझ पे ब्लैक अच्छा लगता है, ये टॉप है क्रॉप टॉप जो कि बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है, तो मैं आज ये वाली टॉप पहनने वाली हूँ, साथ में ब्लू जीन्स पहनने वाली हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा है, आप लोग देखो पूरा फिटिंग आया है अच्छा। तो चलो थोड़ा टचअप कर लेते फेस पे, उसके बाद में मिलती हूँ। ये देखो, वाह मम्मी मम्मी, मैं बोलती आई शेडो लगाओ, गला ही बैठ गया मेरा। फेवरेट लिपस्टिक है न्यूड शेड लिपस्टिक, सुंदर कान का पहनने वाली हूँ ये बाली, तो मम्मी पहनाएंगी मुझे लोग। ये कान दर्द कर दिया था ना मम्मी, जोर से मेरी मम्मी पेच घुमाई थी और मेरे कान में इस पे दर्द हो गया था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भगवान जी मदद करिए। मैं जो भाभी ने गिफ्ट किया था वो बैग हमारे काम आ रहा है, देखो हम नानी के घर जा रहे हैं तो लेके जा रहे हैं। क्या मम्मी? हाँ। तो मेरा जो दवाई वगैरह ना मम्मी को ही डालना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी इसमें डालने कह रही है, इसमें नहीं हो पाएगा मम्मी, इसमें आज ये पहन लूँ क्या? फुल टू फन रेडी हो गए, मैंने बाल वाल ऐसे ही रखा है यार, गर्मी बाहर बहुत है, कूल नहीं रखूँगी, थोड़ा डीओ वीओ लगाएंगे, खुशबूदार हो जाएंगे। आपको लगाना है? मम्मी ने ना सामान मेरे को पकड़ा दिया, ये काफी ज्यादा भारी है, हम लोग सबका सामान है इसमें। मेरी बहन होती तो कोई दिक्कत नहीं होता यार, हम लोग मिल बांट के कर लेते, लेकिन मैं अकेले पड़ गई तो सब बोझा मुझे ही लेना पड़ेगा। कुली बना के लेके जा रही है, चलो चलो कुली, 10 रुपए देंगे, चलो भाड़ा 10 रुपए नहीं 1 लाख रुपए लेगा फोन, चलो 1 लाख रुपए देगा। सही बात है लड़की, बैठने की सीट मिल गई यार, बहुत ज्यादा भीड़ है यार, क्योंकि दुर्गा पूजा है तो भीड़ तो रहनी है। मम्मी यहाँ बैठ गई, पहले मम्मी को सीट मिली थी, उसके बाद मुझे सीट मिली, एक अंकल ने दे दिया मेरे को, वो अंकल वहाँ खड़े को, रोड काफी जाम है यार, बस यही पे खड़ा है, पता नहीं हम कब पहुँचेंगे हावड़ा स्टेशन। फटाफट ऐसे ही चलते हैं, और हावड़ा ब्रिज आ गया है, बैग लेके जाना पड़ रहा है यार, मम्मी ऐसे चल रही है आराम से, तो मेरे एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ में बैग है, फिर भी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। यार यहाँ पे काफ़ी भीड़ होने वाली है, अभी कैमरा ऑफ कर रहा है, मैं जा रही हूँ टिकट लेने के लिए, कुछ ज़्यादा ही भीड़ ले रहे हैं और मैं लाइन पर लगी हुई हूँ, ज़्यादा भीड़ है पीछे मेरे हो गए, मुड़ी वाला भी नहीं आया मेरा फेवरेट, क्या वो आएगा तो मैं कहूँगा, गर्मी इतनी है, एक जन ने ले भी लिया जॉल, इतना जगह भी नहीं है बैठने का यार, खड़े ना यार वहाँ तो ऊपर में पानी गिर रहा है, तो अच्छी सी हवा आ रही है, क्या मम्मी भले हम खड़े हो पानी तो मूढ़ी वाला आया ही नहीं, जिसके लिए मैं ट्रेन में चढ़ती वो आया ही नहीं, बताओ ट्रेन में हम लोग खड़े खड़े आए हैं, मम्मी भी परेशान मैं भी परेशान, एक्चुअली मुझे खाना था मूढ़ी इस वजह से हम ट्रेन में आए थे पता है आपको, पर अब क्या कर सकते हैं। स्टेशन पहुँच चुके हैं, आप टोटो से हम जा रहे हैं नानी के, अचानक खराब हो गया तो नहीं, मम्मी
मेरे को दोबारा नहीं जाना। मम्मी को अच्छा लगता है यार, मजा आ रहा है। हालत खराब हो गई, ऐसा लग रहा था स्कूल की पनिशमेंट मिल चुकी थी यार। मम्मी की तो हालत खराब हो गई। मेरी मम्मी कह जा रही है तुमको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मम्मी अपने घर, मम्मी हमको अपने घर लेके जा रही थी, नानी घर। ये बंदी, इसको तो आप जानते ही होगे। ये देखो, ये भी सो रही है। ये मेरी भाभी का बेटा बेटी है। देखो ये इसको, ये देखो डर क्यों रहा है? गुलगुला। ये मेरी नानी, इनको तो जानते हैं। इंग्लिश बोल दीजिए थोड़ा। बस। ये भाभी ताली मारने वाली। और ये मासी जानते, समोसा बनाने वाली। हाय, ये काफी अच्छा बनाती है, मैं खाऊंगी इनके हाथ। ठीक है, कल बना के खिलाएंगी। और बाकी आप मेरे लिए बिस्किट नहीं लाए, कुकीज वाला? आप बहुत अच्छा बनाते सिंपल। इनकम टैक्स ऑफिसर चिंटी लगा रहे हैं। चला फोन चला। टॉपिक ऐसे फोन चला दे रहा हूँ ना। मामी ने आज खाने में क्या बनाया, तो आज नाना का शरारत है, उस वजह से खीर वीर बना होगा। बट चलो देख, मामी जी खाना बनाते हुए। खाने में क्या है मामी जी? पूरा भर के आलू का सब्जी, आलू दम बनाया। ये क्या है? खीर। ये क्या है? मिक्स सब्जी। और ये आटा का लोई रखे, अदरक मिर्ची भी रखे हुआ। ये मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है, आप पकौड़ी का है मामी जी? पकौड़ी, चटनी अभी रखा हुआ, चटनी रखा हुआ। मेरे को दे दीजिए, मेरे को भी भूख लगने लगे, इतना टेस्टी खाना देख के। टॉफी ले गया, ये देखिए टॉफी लाई है, कॉफी को। ठीक है, ये देखो तान लिया, गुस्सा देखिए, गुस्सा आ रहा है इसको। नहीं, खाना खाते हुए मम्मी पूरी भी ले ले। मामी जी इतना सारा खीर नहीं चाहिए। ओ चेरी ने गोदी लेने बोल रही है। गोदी ना, गोदी नहीं, ये सब ठीक। मामी जी सर्व करते हुए यार, एकदम गजब का खाना बनाई है आज। पूरी एक नानी के घर का छत पे जा रही हूँ यार, बादल एकदम गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है। उनका घर भी बना हुआ है। ये देखो कबूतर। पाँव में क्या लगा हुआ है? ये, थैंक यू। अरे ये तो कबूतर को उड़ा रहा। उड़ाने में लगे हुए हैं। और वेदर काफी अच्छा हो गया यार, बारिश हो जाए तो क्या है, मौसम अच्छा हो जाएगा तो गर्मी नहीं रहेगी यार। बहुत गर्मी हो गई है आज तो। फिर बोलो तितली बुआ। क्या क्या नाम है? तितली। अब आप लोग हंसना मत बिल्कुल, ठीक है? मैं अभी इससे बुलवाती हुई, देखो मैं इसकी बुआ हूँ, तो बोलो तितली बुआ। तितली बुआ। बाप रे, अभी तो गिर गई मैं इसके साथ, ये तो सारा छोड़ दी थी मुझ पे। कबूतर को उड़ाने में लगा हुआ है बस, उसका घर नहीं तोड़ते। घर वो निकल के आके ऐसे काट जाएगा, ऐसे काटेगा, ऐसे पकड़ लेगा। क्या वो पतंग? वो रहा पतंग दिखा रही है मुझे, कबूतर बैठा, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो तुलसी माता यहाँ पे है, यहाँ पूजा वूजा करती है नानी वगैरह। केला जी का पेड़ भी है यहाँ पे। तो बाबू चलो, मामा ना, चलो। राहत मिलेगी गर्मी से सबको यार। गाइस, फिर मम्मी को होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाना था और मुझे भी दिखाना था, क्योंकि मुझे ना इन्फेक्शन हो गई है इस वजह से। अभी लाइट नहीं आ रही है ना, इसलिए मम्मी अभी डॉक्टर को दिखा रही, फिर मैं दिखाऊंगी। उसको अभी मत लीजिए।
बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर मिले, हाय कर दो। हाय डेली देखते हो ना मेरी वीडियो? हाँ रोज देखता हूँ वीडियो। और ये बाहर खड़े थे, मैं डॉक्टर को दिखा रही थी, जो भैया मिले वो बहुत देर से मेरा वेट कर रहे थे, मुझे पता भी नहीं था, पर बाहर निकली तो पता चला। क्या मासी ने नोटिस किया ना? मासी तो शर्मा जा रही, कह रही है फिल्टर नहीं आ रहा। अरे एक्चुअली रोशनी नहीं आ रहा ना, जैसे लाइट अच्छा। आता है तो गोरे लगते हैं। साफ कर देंगे फोटो, साफ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, हम तो अपना खुद ही ऐसा ले रहे देंगे, मतलब लोग तो देख ही देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइट आ गई तो अच्छी आ रही है। सो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरा इतना वेट करते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यार, दिल से थैंक यू, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों से मिलकर। बाकी अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं मम्मी? मामा के। मामा के, मामा के जा रहे थे। हाँ। और अभी हम आए हैं मामा के दुकान पे और मामा कर रहे हैं काम। बिस्किट्स बिस्किट्स देख लो। हाँ लेके जा रही हूँ, या मासी ले लेंगी कोई भी। यहाँ मासी बैठ रही है, अब बनाए बाल खोल लिए, अच्छी लग रही है। हाँ ठीक है, यहाँ पे मम्मी बैठ गई है, चाय ये भैया लेकर आए हैं। और ये जो कप देख रहे हो यार, इतना क्यूट कप है, देखो इतने छोटे कप में चाय। थक गए मामा, बैठ जाइए मम्मी। सो गाइस पहन रहे हैं, बाकी मामी जी कुछ कह रही थी ना कि हम पतले हो गए हैं। हाँ बहुत पतली हो गई कह रही है। सही है यार, और पतला होना है मुझे। खाने के लिए रुक गया और अभी हम कुछ का खाएंगे। सो पुचका काफ़ी स्पाइसी था यार, तो मैं मामा की दुकान पे लड्डू खाने के लिए आ गई। ये एक लाख दिन बाद ऑफिस से इतना रात को घर आई है, देख लो नानी के घर पे। अभी कितना बज रहा है? 9 बज रहा है और ये 8:30 बजे आई थी नानी के घर, और हम कब से वेट कर रहे थे इसका, 4 बजे से। सो गाइज अब चलो नानी को गिफ्ट देते हैं, आपको तो मैंने दिखाया था कल, मैंने लिया था, तो चलो देते हैं। तो ये मेरा पहला गिफ्ट है नानी को जो मैं दे रही हूँ। खोल के दे, नानी को खोल के दे, खोल के दे। नानी मेरा नाखून ऐसा है ना, मुझे नहीं लगता मेरे से खुलेगा, बट फिर भी ट्राई किया जाए। ऐसे नहीं खुलेगा, तोड़ देगा इसको। अरे गधी नहीं, पगली हो गया, डब्बा के तोड़ोगी? मम्मी आप, मेरी मामी ने कर दिया बिकॉज मुझसे नहीं हो पाता, भाग गई मेरी मामी। ठीक है कोई बात नहीं, ये मम्मी भी नाइटी, अभी रात का समय सब नाइटी ना पहनेगा। तो ये रहा आपका बहुत ही प्यारा फोन, एंड इसमें चार्जर भी है, बैटरी भी है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। अनबॉक्सिंग हो गया है, खिलौना वाला फोन लग रहा है यार। याद है बचपन में कितना मस्त मिलता था ना, पूनम मौसी, ऐसे बबल निकलता था उससे, तो बहुत ही गजब लग रहा है। इतना छोटा है, देखो मेरे हाथ के साइज का भी नहीं है। तो नानी कैसा लगा आपको फोन? अच्छा अच्छा है। ऊपर सामने देखना मोबाइल। अब नानी का फोन चालू किया जाए। अभी मत कर, सुन ना नानी, चार्जर है ना ऐसा आपके पास, ऐसा ये दूसरा नानी, नानी नानी एक किस कर दो, नानी नानी एक किस कर दो, किस मिला है, मजा आएगा।